इसी जीत के साथ भारत पहुंचा सेमीफाइनल। बांग्लादेश के विरुद्ध मैच में वर्षा टीम इंडिया के लिए कुछ ऐसी ही साबित हुई। रोहित की टीम ने डकवर्थ लुइंस नियम के से 5 रनों से मैच जीतकर T20 विश्व कप के सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ा दिए। यानी यूं कहें कि सेमीफाइनल में भारत ने अपना जगह बना लिया है। भारत का अगला मैच रविवार को मेलबोर्न में जिम्बाब्वे में होगा। अगर भारत यह मैच जीतता है तो उसके 8 अंक हो जाएंगे। अगर यह मैच वर्षा के कारण नहीं भी होता तो भी उसके 7 अंक होंगे। इन दोनों परिस्थितियों में भारत टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अगर टीम जिम्बाब्वे से मैच हारती है तो फिर अगर मगर में फंस सकती है। जिम्बाब्वे ने विश्व कप पाकिस्तान को अप्रत्याशित तौर पर हराया, क्योंकि जिम्बाब्वे भी उलटफेर के लिए जाना जाता है। इसी क्रम में विराट कोहली विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, मैं काफी खुश था। मैं जानता था कि अच्छी शॉट्स काफी अहम होंगे। मुझे पता था कि ऑस्ट्रेलिया में खेलने का अनुभव टीम के लिए काफी काम आएगा। बांग्लादेश के विरुद्ध मुकाबला काफी करीबी रहा, बल्ले से मेरे लिए एक और अच्छा प्रदर्शन रहा। इसके बाद रोहित शर्मा भारतीय कप्तान भी बोले, हमने अर्शदीप को डेट ऑफरों में गेंदबाजी करने को कहा। जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में एक युवा गेंदबाज के लिए ऐसा करना आसान नहीं, हमने उसे तैयार किया है। हमारे पास शमी और अर्शदीप के बीच विकल्प चुनना था। मैंने ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन करना था जो नियमित तौर पर ऐसा कर रहा हो। दोस्तों, अब आपको आखिरी दो ओवर का गणित बताते हैं। बांग्लादेश को आखिरी दो ओवर में 31 रन बनाने थे। हार्दिक तीसरी गेंद पर छक्का खा गए, हालांकि उसके बाद उन्होंने 3 गेंद पर सिर्फ 1 रन दिए। आखिरी ओवर में बांग्लादेश को 20 रन चाहिए थे और गेंद एक बार फिर अर्शदीप को थमा दी गई। पहली गेंद पर 1 रन गया, दूसरी पर गेंद पर छक्का लगा, तीसरी गेंद पर उन्होंने कोई रन नहीं, चौथी गेंद पर 2 रन और पांचवी गेंद पर फिर चौका लगा। आखिरी गेंद पर बांग्लादेश को मैच सुपर ओवर में ले जाने के लिए 6 रन की जरूरत थी, लेकिन अर्शदीप ने सिर्फ 1 रन बनने दिया और भारत ने मैच जीत लिया। बांग्लादेश 16 ओवर में 6 विकेट पर 145 रन ही बना पाई। विराट का इसमें शानदार प्रदर्शन रहा। विराट के लिए रिला चौहान मैदान हमेशा से शानदार रहा है, पर की तुलना में यहाँ के पिच काफ़ी धीमी और जिस पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज पावर प्ले के बाद भी दबाव में आ गया। जीवन दान मिलने के बाद भी रोहित खराब शॉट पर जल्दी आउट हुई। इसके बाद कोहली ने दूसरे विकेट के लिए राहुल के साथ 67 और तीसरे विकेट के लिए सूर्य कुमार यादव के साथ 38 रन की साझेदारी की। T20 के नंबर 1 बल्लेबाज बने सूर्य कुमार, अद्भुत टच में थे, उन्होंने शानदार 4 चौके लगाए। भारतीयों ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शरीफुल इस्लाम और हसन अमूदी के निशाने पर आए। इन दोनों ने 8 ओवर में 104 रन दिए।